नमस्कार, मैं कंचन और आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। आइए देखते हैं गुड मॉर्निंग सुपर फास्ट सुबह की कुछ खास कुछ हल्की फुल्की खबरें जिसको सुनकर आपका दिन बन जाए। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस प्रतिका सेंगर और एक्टर निकितन धीर के घर बेटी ने लिया जन्म। हालांकि अभी तक इस बात को लेकर कपल ने किसी भी तरह की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किए, लेकिन बताया जा रहा है कि कृतिका ने आज सुबह ही बेटी को जन्म दिया है। वहीं इस गुड न्यूज से दोनों के फैंस भी काफी खुश हैं और दोनों को बधाई दे रहे हैं। कृतिका निकितन शादी के 7 साल बाद पेरेंट्स बने हैं। कृतिका ने हाल ही में मैटरनिटी फोटोशूट कराया था। फोटोशूट में कृतिका बेबी बंप फ्रंट करती नजर आ रही थी। कृतिका अक्सर अपना बेबी बंप फ्रंट करते हुए सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करती रहती थी। बता दें, दोनों शादी के 7 साल बाद पहली बार पेरेंट्स बने हैं। लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति जारी है। इसी बीच में आग में घी डालने का काम करते हुए एआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। अकबरुद्दीन ने औरंगाबाद में आयोजित सभा में राज ठाकरे का नाम लिए बिना कहा, मैं यहाँ किसी को जवाब देने आया नहीं हूँ, ना ही किसी को बुरा कहने। तुम्हारी औकात नहीं कि मैं जवाब दूँ। मेरा तो एक सांसद है और तुम तो बेघर हो, तुम लापता हो, तुम्हें घर से बेदखल किया गया है। मैं तो यह कहूंगा कि जो भी कुत्ता भौंकता है उसे भौंकने दो। अकबरुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि मैं जवाब जरूर देने आऊंगा एक दिन। आम और खास के मैदान पर अकबरुद्दीन ओवैसी लड़ेगा अपनी पसंदीदा जगह पर और पसंदीदा समय पर। तुम्हारी पसंदीदा जगह भी मैं ही तय करूंगा, ओवैसी ने आगे कहा। 13 मई 2008, जी हाँ, राजस्थान की राजधानी जयपुर के लिए एक आम दिन था। सड़कों पर हमेशा की तरह चहल पहल थी। पूरा दिन शांति से गुजर चुका था और अब शाम होने को थी। नौकरी पेशा लोग घरों को लौटने लगे थे। मंगलवार का दिन था, इसलिए हनुमान मंदिरों में आम दिन के मुकाबले ज्यादा श्रद्धालु थे। तभी शाम 7:05 पर जौहरी बाजार में एक ब्लास्ट हुआ। उसके बाद शहर के अलग अलग इलाकों से धमाके की खबरें आने लगी। अगले 12 से 15 के भीतर 8 धमाके हुए। गुलाबी शहर खून से लाल हो चुका था। हर तरफ खून, चीख और लाशें थी। इस दिन के दर्द को शहर आज तक भूल नहीं पाया है। धमाकों में 71 लोगों की जाने गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए। आतंकियों ने शहर की भीड़ भरी जगहों को चुना ताकि नुकसान ज्यादा हो सके। धमाकों में घातक विस्फोटक RDX का इस्तेमाल किया गया था। आतंकियों ने बमों को साइकिल और टिफिन के जरिए शहर के अलग अलग हिस्सों में प्लांट किया। धमाके के बाद ही न्यूज चैनलों को एक मेल मिला। इस मेल में वीडियो था जिसमें साइकिल नजर आ रही थी। जांच में पता चला कि इस साइकिल का इस्तेमाल धमाकों में किया गया था। साथ ही मेल में धमकी थी कि ऐसे धमाके भारत के हर बड़े शहर में होते रहेंगे और आज वही दिन है जो इतिहास में दोहराया गया था। आज की खबरों को यही विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए MNS News Live, क्योंकि सच जरूरी है।